नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन द्वारा एक लेटर निकाला गया है। यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइनिंग मिली है कुछ अभ्यर्थियों को। क्या है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, 1017 नंबर लेटर निकाला है निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा, जिसमें 7 अभ्यर्थियों को यहां पर जिले अलॉट कर दिए। जी हां दोस्तों, निदेशालय के जो आदेश क्रमांक 1465 दिनांक 16 अक्टूबर 2020 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का पद स्थापन कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार परीक्षा पर नर श्रेणी द्वितीय के पद पर किया जाता है। यह दोस्तों, यहाँ पर जो 7 अभ्यर्थी हैं, जिसमें 2 डाइवोर्स हैं, इसके अलावा 3 जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी के हैं, 4 कैंडिडेट एससी के हैं, जिनको सीएमएचओ 3 को सीएमएचओ सिरोही, सीएमएचओ जोधपुर, सीएमएचओ भीलवाड़ा, मेडिकल कॉलेज अजमेर और मेडिकल कॉलेज सीकर अलॉट यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा उपरोक्त अभ्यर्थी को दिनांक 22 अक्टूबर तक आवंटित जिले के संबंधित अधिकारी के अधीन कार्य ग्रहण करना होगा, और निर्धारित तिथि तक कार्य ग्रहण नहीं करने पर जो नियुक्ति आदेश है वो स्वतः ही यहाँ पर निरस्त समझे जाएंगे। शेष जो कंडीशन है वो यहाँ पर समान रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 7 कैंडिडेट्स को यहाँ पर पोस्टिंग दी है, जिसमें 3 को सीएमएचओ सिरोही में, 1 को सीएमएचओ जोधपुर, 1 को सीएमएचओ भीलवाड़ा, मेडिकल कॉलेज अजमेर और 1 को मेडिकल कॉलेज सीकर अलॉट यहाँ पर किया गया है। और 22 अक्टूबर तक जो संबंधित कैंडिडेट्स हैं वो 22 अक्टूबर तक संबंधित अधिकारी के अधीन यहाँ पर कार्य ग्रहण कर सकते हैं। मुकुल शर्मा अतिरिक्त निदेशक प्रशासन के हस्ताक्षर मौजूद हैं, साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट, यहाँ पर 7 जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर पहले से पोस्टिंग के ऑर्डर जारी कर दिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।